एमएस वर्ड में आपने माइक्रो का यूज सीखा होगा, एमएस एक्सेल में भी सीखा होगा, लेकिन शायद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ना सीखा हो। तो चलिए आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैक्रो का यूज सिखाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने अपडेट क्वेरी कैसे यूज करते हैं ये सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा हो तो इस वीडियो से आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं हमेशा स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, तो यहां पर कर देता हूं रोल नंबर और ये ऑटो नंबर रखता हूं। इसका जो डेटा टाइप है वो मैंने ऑटो नंबर रखा है। ये देख सकते हैं यहां पर तमाम डेटा टाइप्स आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट है, छोटा मोटा टेक्स्ट लिखना हो, लॉन्ग टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट लिखना हो, जैसे एड्रेस लिखना हो या फिर कोई बड़ा ऐसे लिखना हो, और नंबर में सिर्फ नंबर आएगा, लार्ज नंबर में बड़ा नंबर आप ले सकते हैं। डेट एंड टाइप में डेट एंड टाइम डेटा टाइप आएगा, इसको एक्सटेंड करने के लिए डेट एंड टाइम एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। करेंसी डेटा टाइप, करेंसी के लिए ऑटो नंबर खुद से नंबर जनरेट करता जाता है। यस और नो डेटा टाइप, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो टिक करने के लिए। ओएलई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को लेके आने के लिए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक कराने के लिए कि कहां आपका कौन सा आपके सिस्टम में कोई फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट कहां रखा हुआ है वो हाइपरलिंक्ड हो जाएगा। अटैचमेंट यानी फोटो वगैरह ले सकते हैं आप। कैलकुलेटेड यानी फॉर्मूला यहीं पर यूज कर सकते हैं। और ये लुकअप विजार्ड यानी कि आप कोई ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, इस तरह की कोई चीज करना चाहते हैं तो लुकअप विजार्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाता हूं, यहां पर नेम लिख देता हूं स्टूडेंट का। तो ये जो है टाइटल है नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रख देता हूं क्योंकि स्टूडेंट का नेम बहुत बड़ा तो होता नहीं है। और फिर यहां पर सब्जेक्ट्स आएंगे, तो यहां पे कर लेता हूं पहला सब्जेक्ट हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट रख लेता हूं कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तीन सब्जेक्ट हमने रख लिए हैं, आप चाहे तो और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहां पे हम टोटल कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें नया क्या है आप यही सोच रहे होंगे ना, हम आज के वीडियो में मैक्रो का यूज करेंगे, ठीक है। इन सारे कैलकुलेशंस को हम मैक्रो के थ्रू करेंगे, ये आज के वीडियो में नया है। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। अब ये टोटल हो गया, अब चाहे तो आप एवरेज कैलकुलेट करिए, ग्रेड कैलकुलेट करिए, एज योर विश, जो आपको मन करे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर सारे को ये जो है एवरेज है ना, ये एवरेज जो है हम नंबर बना देंगे। इसे नंबर क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, और इसे डबल बना दूंगा, इसके भी पीछे रीजन ये है कि डबल इंटीजर के अलावा यानी कि डेसिमल वैल्यू भी सपोर्ट करेगा। अगर मैं नंबर रखता हूं सिर्फ और इसे सिंगल ही रहने देता हूं तो उस कंडीशन में ये डेसिमल वैल्यूज यानी दशमलव वाली संख्याएं नहीं सपोर्ट करेगा, इस वजह से यहां डबल बना रहा हूं मैं। और यहां पर टोटल को मैं रख देता हूं नंबर, इसमें होल नंबर ही आएगा, दैट्स वाई यहां पर नंबर रखा है। और यहां पर भी नंबर रखूंगा, और यहां पर भी रख लेता हूं नंबर, ठीक है, और यहां पर भी रख लेता हूं नंबर। ये कुल मिला के तीन ही सब्जेक्ट लिए हैं हमने, आप चाहे तीन से ज्यादा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। अब यहां से व्यू पे कर देता हूं क्लिक। सारी चीजें सारे फॉर्मूलाज अरेंज करने के बाद ही हम आगे बात करने वाले हैं, तो अभी इतना ही रहने देता हूं, इसे थोड़ा रिसाइज कर लेता हूं बस। अब चलते हैं क्रिएट पर, ठीक है, और चलते हैं कहां, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं। ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख जाएगी, यहां से क्लिक करिए और ये ऐड पे कर दीजिए क्लिक। आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में कुछ इसी तरह से हम फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें अभी कैलकुलेट करना है टोटल, तो ये टोटल ले लिया हमने। अब टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहां आपको क्लिक करना है अपडेट पर। हमने आपको अपडेट क्वेरी का भी यूज सिखाया है, अगर आपने नहीं सिखाया तो हमारे चैनल पर जाकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डीबीएमएस का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, डीबीएमएस में जाकर के वहां आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। अभी फिलहाल अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपडेट टू आ जाएगा। अब यहाँ पर अपडेट क्या करना है, अपडेट क्या करना है, तो यहाँ पर हमें करना है टोटल। टोटल किसको किसको ऐड करने से होगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए ये लीब्रा डेटाबेस नहीं है, लीब्रा डेटाबेस का अगर आप यूज करते तो डबल इंटेड कोट्स में लिखते, यहां पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना होगा। आगे लीब्रा वीडियोस काफी बना रहा हूं मैं, उसको भी चाहे तो आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लीब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है नेट पे, ये लाइनेक्स में यूज होता है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं तो अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, इसे लिख लिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, प्लस का निशान लगाया, फिर यहां पर लिखा इंग्लिश, ये लिख लिया हमने इंग्लिश, ओके। इंग्लिश लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। फिर यहां पर कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर भी लिख लिया हमने और इसे भी कर दिया क्लोज। तो इस तरह से तीनों सब्जेक्ट्स हमने लिख लिए हैं, इसको थोड़ा मैं विड्थ बढ़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये तीनों सब्जेक्ट्स की एंट्री हमने कर ली है, ठीक है। अब इसको यहां से कर देता हूं क्लोज।
क्लोज करने से पहले यहां पर पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस द डिजाइन ऑफ क्वेरी क्वेरी वन, क्वेरी वन ही नाम है इसका, तो यस कर देता हूं और इसको चाहे जिस नाम से आप सेव करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे सेव कर देता हूं एड के नाम से, ठीक है, ये कर दिया हमने और ओके प्रेस कर दिया, तो ये एड के नाम से सेव हो गया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इससे क्या होगा क्या, वो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। इसको थोड़ा पहले विड्थ बढ़ा लेता हूं, यहां पूरा नंबर हमने लिखा नहीं है, बी छूट गया है, तो यहां से जाकर के डिजाइन व्यू पे जाकर के और ये नंबर एम बी ई आर, ठीक है, तो अभी ये हमें सही से दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ये इस तरह से आ गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें ऐड करना है, इससे पहले नाम लिखता हूं, तो स्टूडेंट का नाम है राम और इनके हिंदी में मार्क्स हैं 56 आउट ऑफ 100, 67 मार्क्स हैं इनके इंग्लिश में और कंप्यूटर में मार्क्स हैं 50, ओके। और अब यहां पे टोटल हमें चाहिए, तो आपको टोटल के लिए कुछ नहीं करना, ये क्वेरी हमने जो बना दी है, तो इस पे क्लिक करिए और यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड पे, तो आप देख पाएंगे ये डिजाइन व्यू पे आ जाइए यहां से और ये रन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और यस कर दीजिए, आपका काम यहां से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये देखेंगे कि यहां पर टोटल होके आ चुका है। इसी तरह से दूसरा नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सुरेश, ये दूसरा नाम है और यहां पर हिंदी के मार्क्स ऐड करता हूं, तो यहां पे लिख दिया मैंने कोई मार्क्स, यहां पे सेकंड मार्क्स आ गया और यहां पे थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स आ गया। अब यहां पे टोटल ऐसे नहीं आएगा, आप इसको सेव भले ही कर दें और क्लोज कर दें और फिर ओपन करें तो भी यहां पे टोटल आपको दिखाई पड़ेगा नहीं। कैसे दिखाई पड़ेगा, यहां पर डबल क्लिक करना है आपको, ठीक है, ये राइट क्लिक कर लीजिए सबसे अच्छा तरीका, डिजाइन व्यू पे आ जाइए और यहां से रन पे कर दीजिए क्लिक, यस करिए इसको और बस यहां से क्लोज कर दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर भी टोटल आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी क्वेरी बनाते हैं हम, ठीक है, यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर और क्वेरी डिजाइन पे जाकर के टेबल वन यहां पर ऐड करवा लेते हैं। इस बार हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, क्या करना है एवरेज, ओके, और अब फिर वापस से अपडेट पर क्लिक कर दीजिए तो ये अपडेट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां पे हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहां पे हमें क्या करना है टोटल ले लेना है, टोटल के बेस पे ही तो एवरेज कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि कितने सब्जेक्ट है, काउंट कीजिए, ये देखिए ये 1 2 3 कुल मिला के 3 ही तो सब्जेक्ट है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, 3 से डिवाइड करने के बाद, 3 से डिवाइड करने के बाद आपको यहां से इसे कर देना है सेव, तो ये यहां से यस करिए और ये जो है ए वी ई आर ए जी ई एवरेज के नाम से इसे सेव कर देता हूं। तो ये देख सकते हैं अभी एवरेज यहां पे कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, यहां पर जाइए एवरेज पे क्लिक कीजिए, जो अपडेट क्वेरी आपने बनाई है, राइट क्लिक कीजिए और डिजाइन व्यू पे आ जाइए, आ गए, अब यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और यहां पे यस कीजिए और अब इसको क्लोज कर दीजिए, तो अब आप देख पाएंगे यहां पे एवरेज भी आ चुका है। डबल क्लिक कीजिए और इस तरह की आपको रिजल्ट दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हर बार अलग अलग क्वेरी बनाए, ठीक है, मैक्रो का यूज सीखना है, ध्यान दीजिएगा, अपडेट क्वेरी आप देख ही चुके हैं, हम ये नहीं चाहते कि बार बार हम क्लिक करें और फिर रन करें, इस तरह की चीजें हम नहीं चाहते, तो इसके लिए हम मैक्रो डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, चले गए और यहां से मैक्रो पर कर देंगे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ेगी बड़ी सी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस मैक्रो में आपको टाइप करना है ओपन मैक्रो, ओपन क्वेरी, ओपन क्वेरी टाइप करना है, ठीक है, तो यहां से ओ पी ई एन ओपन टाइप करता हूं मैं और यहां पे ओपन फॉर्म ओपन क्वेरी भी दिखाई पड़ेगी नीचे, ये देखिए ये ओपन क्वेरी है, इस पे हमने कर दिया क्लिक, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 यूज कर रहा हूं, तरीका लगभग एक ही जैसा है, 7 में हो या 16 में हो, ठीक है, तो जो 7 है उसमें यहां पर टेबल डेटा शीट के फॉर्म में यहां पर आ जाता है। यहां से आप ड्रॉप डाउन में चूज कर लीजिए, पहले हमें ऐड के लिए बनाना है तो ये ऐड चूज कर लिया हमने, और अब ये तो हमने कर लिया, अब दूसरे वाले का मैक्रो हमें बनाना है, तो ओपन क्वेरी, ठीक है, यहां पे ओपन सर्च करता हूं और यहां पे नीचे आपको ओपन क्वेरी मिल जाएगा, तो ये देख सकते हैं यहां नीचे ये ओपन क्वेरी है, तो ये दूसरा वाला मैक्रो मैं क्रिएट कर रहा हूं, पहला मैक्रो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब ये एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए इसमें, और एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर क्लिक कीजिए, तो ये पूछेगा इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो हम इसे सेव बिल्कुल करना चाहते हैं, ये मैक्रो वन नाम आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहां पे कर देता हूं एड एंड एवरेज, ठीक है, यही दोनों फॉर्मूले हमने अप्लाई किए थे और इन दोनों ही फॉर्मूले को हम एक ही बटन से चलाएंगे और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है।
अब ये देख सकते हैं ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है और हमारा मैक्रो यहां पर है। ठीक है, चलिए आइए यहां पर कोई और डेटा एंटर करते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं जावेद और एंटर कर देते हैं मार्क्स तहरीन, ये लिख दिया हमने, और 78। तो ये जो है अब यहां पे दो और स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर दिए हमने। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो ऐड है ना ये यहां पे डिजाइन पे जाना है या रन पे जाना है, ये रन जो दिख रहा है ना यहां पे जाइए क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए, यहां पर भी यस कर दीजिए आप और यहां पर भी यस कर दीजिए और इसको भी यस कर दीजिए। ठीक है, अभी ये कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है, जब इसको आप यस करिए अभी, और अब इसे टेबल को ओपन कर लीजिए आप। यहां पे देख सकते हैं यहां पर ये टोटल आ चुका है। फिर मैं यहां पे एंटर करके दिखाता हूं, यहां पे लिखता हूं गौरव, एक और नाम लिख देता हूं गौरव। ठीक है, और ये 67 34 यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर डबल क्लिक करता हूं मैं, डबल क्लिक किया हमने, यस किया, यस किया, यस किया और यहां पे यस कर दिया। अभी यहां पे चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, यहां पर जैसे ही आप आएंगे ये देखिए यहां पर रख करके आपको ये काम करना होगा, डबल क्लिक करिए, यस करिए, यस करिए, यस करिए और यहां पर यस कर दीजिए। अब आप देख पाएंगे, अब देख पाएंगे कि यहां पर टोटल होके आ चुका है। इसी तरह से फिर मैं एंटर करता हूं एक और नाम हिना, ये एंटर किया हमने और यहां पर 66 65 23 ऐसे करके कोई मार्क्स यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां से राइट क्लिक करके और इसे रन करवा लेते हैं, ये रन, ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहां पर टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से आप मैक्रो का यूज भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आगे चल करके मैक्रो से रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।